हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाए साल में सबसे ज्यादा वनडे रन, विराट कोहली को छोड़ा पीछे। दुनिया भर में अपने बल्ले की दम पर गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने वाले हिटमैन रोहित शर्मा ने इस साल वनडे में अपनी बादशाही साबित कर दी। वे इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। पहले विराट कोहली नंबर वन पर हुआ करते थे, लेकिन दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने विस्फोटक शतक की पारी खेली जिसके दम पर वे आगे निकल गए। और उनके बाद तीसरे और आखिरी वनडे में रोहित शर्मा ने फिर अर्धशतक ठोक दिया, इससे वे विराट कोहली से काफी आगे निकल गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में कप्तान विराट कोहली ने भी शानदार पारी खेली, लेकिन रोहित शर्मा के रन इतने ज्यादा हो गए थे कि विराट कोहली उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाए। रोहित शर्मा ने इस साल यानी 2019 में कुल 28 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1490 रन बनाकर टॉप पर बने हुए हैं। इन 28 मैचों में रोहित ने 7 शतक और 6 अर्धशतक जमाए हैं। इस दौरान रोहित ने अपनी पारी में 36 छक्के और 146 चौके लगाए हैं। रोहित शर्मा ने इस साल 57 की औसत से रन बनाए हैं, वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी करीब 90 का रहा है। इस तरह से वो नंबर वन पर वनडे में बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले दूसरे वनडे के मुकाबले में रोहित शर्मा ने 159 रनों की पारी खेली। इसके लिए उन्होंने 138 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 17 चौके और 5 छक्के जड़े। वहीं दूसरी ओर कप्तान विराट कोहली कोई भी रन नहीं बना सके। इसी के साथ विराट कोहली रोहित शर्मा से पीछे छूट गए और रोहित को पीछे छोड़ने के हालात ही नहीं बचे थे। विराट कोहली ने इस साल 26 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1377 रन बनाए हैं। उन्होंने इस साल वनडे में 5 शतक लगाए हैं, वहीं उनका औसत करीब 59 रन का रहा है। विराट कोहली ने 96 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। मजेदार बात यह भी है कि T20 की जंग है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच चल रही थी, वहीं बराबरी पर आकर खत्म हो गई है। ना कोई जीता है और ना किसी को हारा है। अगर आपसे पूछा जाए कि T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है, तो आप किसी एक खिलाड़ी का नाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस पर दो बल्लेबाज काबिज हैं और वो दोनों ही भारतीय बल्लेबाज हैं। T20 में विराट कोहली ने 2633 रन बनाए हैं, वहीं रोहित शर्मा ने भी 2633 रन बनाकर अपनी बराबरी पर हैं। इसके बाद भी अगर नंबर वन की बात की जाए तो इस स्थिति पर विराट कोहली का नाम ले सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने रोहित शर्मा से कम मैच खेले हैं। विराट कोहली ने अपने 75 T20 इंटरनेशनल मैचों में 2633 रन बनाए हैं, वहीं रोहित शर्मा को इतने ही रन बनाने के लिए 104 मैच खेलने पड़े। विराट कोहली का औसत भी रोहित शर्मा से बेहतर है। विराट कोहली ने ये रन 52 की औसत से बनाए हैं, वहीं रोहित शर्मा का औसत करीब 32 का रहा है। हालांकि स्ट्राइक रेट की बात करें तो दोनों फिर बराबरी पर ही खड़े हैं। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 138 का है, तो रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट भी 138 का ही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा में से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।